जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे लड्डू गोपाला चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे मेरा खुद का अनुभव ही शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा मेरे ना ना कहने पर भी मुझे दी। तो बात इस प्रकार है कि लड्डू गोपाल की सेवा मैंने अपने मायके में देख रखी थी कि किस प्रकार लड्डू गोपाल को सुलाया जाता है, उनको उठाया जाता है, उनके सुबह के नाश्ते का प्रबंध करते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं, शाम को फिर कुछ भोग लगाना, फिर रात को भोजन। इस तरह से इनकी सेवा पूजा मुझे बहुत ही कठिन लगती थी। हालांकि मैं अन्य पूजा पाठ में रुचि रखती हूँ, पर लड्डू गोपाल में मेरी रुचि कभी नहीं हुई। फिर शादी हो गई और ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, सो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा का ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। और कभी आता भी तो मन में यह डर हो जाता कि बाबा, लड्डू गोपाल की सेवा मैं नहीं कर सकती, उनकी चारों पहर की देखभाल मुझसे नहीं होगी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। पर दूसरे टाइप की पूजा पाठ में मेरा रुझान ज़्यादा था। एक बार मेरे मन में आया कि घर में भागवत कथा कराऊं, पर उसके लिए तो काफ़ी खर्च लगता है। 7 दिन का अनुष्ठान होता है, लोग भी आते हैं भागवत कथा सुनने के लिए, तो जगह और पैसे दोनों चाहिए होते हैं इसके लिए, और वो सामर्थ्य मुझ में नहीं था। इसलिए यह विचार मेरे मन में ही दबकर रह गया। एक बार मेरी फ्रेंड से फ़ोन पर बातचीत चल रही थी कि बातों ही बातों में भागवत कथा का जिक्र आया, तो मैंने कहा कि भागवत कथा की पाठ मुझे मेरे घर पर कराने की इच्छा है, पर मेरे पास न तो जगह है और न ही पैसे हैं। तो उसने कहा कि यदि आप भागवत कथा का मूल पाठ करवाओगे तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, थोड़े ही पैसे में मूल पाठ हो जाता है। अभी मेरी भाभी ने भी मूल पाठ करवाया है और उस पंडित को भी मैं जानती हूँ जिन्होंने पाठ को किया था। तो मेरी आंखों में इतनी चमक आ गई कि पूछो मत। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास उन पंडित जी का कॉन्टैक्ट नंबर है? उसने कहा कि हाँ है। फिर क्या था, उसने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। मैंने पंडित जी को तुरंत फ़ोन लगाया, मेरी उनसे बात हुई। पंडित जी ने भी घर पर आने की हाँ कर दी कि कब कैसे क्या करना है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भी बुला लिया अपने घर कि तुम भी आ जाओ मेरे घर, जिससे मुझे भी थोड़ा धैर्य रहेगा। ये घटना कोरोना शुरू होने के ठीक पहले की है। कोरोना मार्च 2020 में शुरू हुआ और ये बात 1 महीने पहले फरवरी की है। अब पंडित जी ने भागवत कथा का मुहूर्त निकाला, पूजा की सामग्री की लिस्ट तैयार करा दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भागवत कथा के लिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल की ज़रूरत होगी, क्या आपके पास हैं? तो मैंने कहा कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं है तो आप एक श्री विग्रह भी खरीद कर लड्डू गोपाल का ले आइए, भागवत कथा में इनका होना जरूरी होता है। तो मैंने कहा कि राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी मेरे पास है, क्या इससे काम नहीं चलेगा? तो उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण भी चाहिए, साथ में बाल गोपाल जी भी चाहिए। तो मैंने कहा कि पंडित जी, बाल गोपाल तो मैं नहीं लाऊंगी, उनकी पूजा मुझसे न होगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात भी घर कर गई थी कि लड्डू गोपाल की यदि आप सेवा पूजा करते हो तो पूरी तरह से करो, वरना करो ही मत। इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा कि पंडित जी, आप कोई और अल्टरनेटिव बताइए। पंडित जी बोले, लड्डू गोपाल को तो भागवत कथा में विराजमान करवाना ही पड़ता है। तो तुरंत ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड का लड्डू गोपाल 7 दिनों के लिए ले लूं और फिर कथा संपूर्ण होने के बाद मैं उसको वापस कर दूंगी। पर पंडित जी माने नहीं, वो बोले, इतना बड़ा अनुष्ठान करने के बाद लड्डू गोपाल आपके घर ही रहना चाहिए, किसी को वापस देना नहीं है। अब समस्या विकट हो गई थी कि क्या किया जाए। फिर मेरी फ्रेंड मुझसे बहुत समझाने लगी कि इनकी सेवा में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जैसा तुम पहले से रखोगी वैसा ही इनको आदत हो जाती है, जैसी भी जितनी भी सेवा तुम कर सकती हो उतना ही करना। फिर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने और कुछ इसके बदले में हो सकता है क्या, पंडित जी से खूब पूछा, बट वो नहीं माने। अंत में मैंने मान लिया और इस तरह लड्डू गोपाल ने जबरदस्ती अपनी कृपा, अपनी सेवा मुझे दी। और किस तरह
लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा में मुझे धीरे धीरे रंग लिया। ये तो मेरी फ्रेंड भी देखकर आश्चर्य करती है और कहती है कि पहले तो लड्डू गोपाल को लाने के लिए भी तैयार नहीं थी, अब उनकी इतनी दीवानी बन गई हो। तो मैं कहती हूँ कि यह सब इनकी ही कृपा है। सच बताऊँ, ये सोचकर तो मुझे भी आश्चर्य होता है। तो दोस्तों, यह था मेरा अनुभव लड्डू गोपाल के घर पर आने का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको मेरा यह अनुभव कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।